blow my mind with blues music. Yeah. नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी एवरीवेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं, माई कंप्यूटर वगैरह, नेटवर्क के जो आइकन्स होते हैं, यूज़र फाइल्स वगैरह, वो आप कैसे ला सकते हैं डेस्कटॉप पे। जब आप डेस्कटॉप खोलते हैं तो सिर्फ एक आइकन आता है इस इधर पे, वो भी रिसाइकल बिन का, और मैंने वो भी हटा दिया है एक एग्जांपल के लिए कि अगर आपके में नहीं आ रहा हो तो मैं वो भी बता दूंगा कि वो कैसे ला सकते हैं। ये जो कोने के आइकन्स हैं, ये तो मेरे सिंपल वाले आइकन्स हैं, शॉर्टकट वाले आइकन्स हैं। आप देख सकते हैं शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट नहीं है क्योंकि मैंने इसको HTML बनाया था तो इसमें सेव कर दिया डेस्कटॉप में, ठीक है। तो इन आइकन्स पर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपके कंप्यूटर में ये आइकन्स नहीं होंगे, ठीक है। बस आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने, अगर आपने मेरे स्टेप्स सेम टू सेम फॉलो करे तो मैं श्योर हूँ कि आपके मतलब डेस्कटॉप पर आइकन ज़रूर आ जाएंगे। सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, जो रिफ्रेश का डायलॉग बॉक्स होता है, एक दो बार रिफ्रेश तो कर ही लेना चाहिए कंप्यूटर। तो इसी रिफ्रेश वाले डायलॉग बॉक्स में पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें विंडोज़ डिफ़ॉल्ट थीम्स जो होते हैं, जितने भी होंगे आपके विंडोज़ डिफ़ॉल्ट थीम, ये लिख कर आएगा, ठीक है। ये पर्सनलाइजेशन खुल गया है। चेंज डेस्कटॉप आइकन, इसमें एक ऑप्शन आएगा होम कंट्रोल पैनल होम के नीचे, ये वाला आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, पहले मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूं ताकि आपको डेस्कटॉप भी थोड़ा सा दिखे। अब इस एरिया में आइकन्स चाहिए हमको, इसी एरिया में आएंगे ऑब्वियसली, तो हम जिस सीक्वेंस में क्लिक करेंगे ना इन पे, उसी सीक्वेंस में आएंगे। जैसे मैंने पहले माई कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया तो पहले माई कंप्यूटर आएगा, सेकंड पे रिसाइकल बिन किया तो सेकंड पे रिसाइकल बिन आएगा, थर्ड पे कंट्रोल पैनल किया तो थर्ड पे कंट्रोल पैनल आएगा, ठीक है। इस तरह से तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंप्यूटर कर लेता हूँ, रिसाइकल बिन, यूज़र फाइल और नेटवर्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये सारे आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। और ये आइकन शॉर्टकट नहीं, आप देख सकते हैं शॉर्टकट में ऐसा साइन आ जाता है शॉर्टकट का, इधर पे शॉर्टकट का साइन नहीं है, ठीक है। इधर पे शॉर्टकट का आइकन्स नहीं है, और यही एक तरीका है जैसे कि आइकन्स आ सकते हैं। फिर तो वो तरीका CMD वगैरह पे पहुंचेगा, वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो यही सबसे अच्छा तरीका है। लाइक कीजिए, नीचे लाइक का बटन है उसको दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सके अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहन को ज़रूर शेयर करें।